एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का मार्केट गया। वो कुछ देर तो वहां ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपए, ठीक है इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से शॉक्ड हो गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जो कि पत्थर जनरली कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपए। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वो बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपए, ठीक है मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपए देने को तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वो लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा, पापा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपए देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर, और अगर वहां पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम शॉक्ड हो गया। वो काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, कहां से मिला है पत्थर और क्या प्राइस है इसका, कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए। वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने, 2 लाख रुपए, ठीक है मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा वो बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू, आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख मिल गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी सिर्फ बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। तो अब वो लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते उन सारे शंखों को उठा करके फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। तो बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन शंखों को भी उसने फेंक दिए, तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए, तो उसके पास एक जो बड़ा शंख था उसके उसे मिले 1,000 रुपये और जो छोटे छोटे शंख उसके पास में थे उसके उसे मिले 3,000 रुपये। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्तों को बहुत दुख हुआ कि काश मैं उन छोटे छोटे शंखों को फेंकता नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे मिले 3,000 रुपये। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में कई सारी छोटी छोटी चीज़ें या फिर ये कहें कि कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गंवा देते हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती हैं।
हर छोटी चीज पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो। दोनों दोस्तों का लक्ष्य एक ही था, वो था पैसा, लेकिन पहले वाले दोस्त ने बड़े पर भी फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया, और दूसरे वाले दोस्त ने सिर्फ बड़े पर फोकस किया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, और जहाँ उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे वहाँ उसे एक रुपया भी नहीं मिला। पर अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।